आपको 2002 का गोधरा कांड तो याद ही होगा, जिसमें कार सेवकों को जिंदा ट्रेन में जला दिया गया था। उसके बाद गुजरात में कई जगह दंगे भड़क गए और ऐसी ही एक दंगे का नाम था नरोदा गांव दंगा। इस मामले में आज अहमदाबाद की एक कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल पंजाब केसरी को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि गुजरात के नरोदा गांव दंगे मामले में अहमदाबाद की एक विशेष कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। विशेष जस्टिस एस के बख्शी की अदालत 68 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाएगी। 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव इलाके में सांप्रदायिक हिंसा में 11 लोग मारे गए थे। इस मामले में 86 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। हालांकि 86 में से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोंडानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी भी 86 आरोपियों में शामिल है, जिन पर मुकदमा चल रहा है। विशेष अभियोजक सुरेश शाह ने कहा कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने 2010 में शुरू हुए मुकदमे के दौरान क्रमशः 187 और 57 गवाहों का परीक्षण किया और लगभग 13 साल तक चले इस मामले में 6 न्यायाधीश सुनवाई कर चुके हैं। सितंबर 2017 में भाजपा के वरिष्ठ नेता जो अब केंद्रीय गृह मंत्री है, यानी अमित शाह, भाजपा नेता माया कोंडानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में अदालत के समक्ष पेश हुए थे। कोंडानी ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें ये साबित करने के लिए बुलाया जाए कि घटना के दिन वे गुजरात विधानसभा में और बाद में 16 सिविल अस्पताल में मौजूद थी, न कि नरोडा गांव में जहां नरसंहार हुआ था। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों से पत्रकार आशीष खेतान द्वारा दिए गए एक स्टिंग ऑपरेशन का भी वीडियो वायरल हो रहा है। उस दौरान कोंडानी, बजरंगी और अन्य के कॉल विवरण उसमें शामिल है। जब ये मुकदमा शुरू हुआ, SHO वोरा पीठासीन न्यायाधीश थे। बाद में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। उनके उत्तराधिकारी ज्योत्सना याग्निक, के भट्ट और PV देसाई ट्रायल के दौरान सेवानिवृत्त हो गए। गौरतलब है कि 27 फरवरी 2002 को कार सेवकों से भरी एक ट्रेन अयोध्या से लौट रही थी, जिस पर हमला कर दिया गया था। गोधरा ट्रेन कांड में 58 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसके एक दिन बाद अहमदाबाद शहर के नरोदा गांव इलाके में हिंसा हो गई थी। खैर, अब तो शाम तक ही पता चलेगा कि आखिर इस मामले में कोर्ट क्या फैसला देता है और 68 आरोपियों को उनके किए की क्या सजा मिलती है। आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।